everyone, this is Shikha Sharma from Yopedia Education, and today we are going to discuss in this video what are your strengths and weaknesses, a very very important HR question, right? So strength or weaknesses kya hai aapki, kaise aap us cheez ko present karoge and all this thing. Specifically for we are talking about IB Intelligence Bureau ki hum kaise strength and weaknesses jo part ka hai answer kaise kare, right? Because student are not aware about, they cannot be differentiate between strength, weaknesses, hobbies, वो सारी चीज़ें mix कर देते हैं, ठीक है? So आपका strength and weakness का is something like that, it is related to your personality. वो आपके personality traits होते हैं कि आप कैसी personality हो. That is something your strength and weaknesses. And अभी हम वही discuss करने वाले हैं. We have a lot of different domains, different I would say ideas related to the what can be your strength, what can be your weaknesses. You can choose accordingly and you can get lot of ideas like by this video. Basically with this video it will help you out in different kind of domain. But guys, mind it one thing, आपने कोई भी strength या weaknesses वो नहीं बोलनी है जो आपकी अपनी ना हो, ठीक है? जिसके बारे में आपको ना पता हो कि अच्छा ये आपकी स्ट्रेंथ है. बहुत कॉमन सेंस की बात है. अगर वी हैव टू बी थिंक ओवर इट, लाइक अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बेसिकली आई थिंक आई हैव माय डिफरेंट सब्जेक्टिविटी टू गिव आंसर एंड मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली ही आंसर करूँगी, राइट? आई कैन नॉट, मैं सिर्फ आइडियाज ले सकती हूँ कि अच्छा ये भी डोमेन हो सकती है स्ट्रेंथ को कवर अप करने की या वीकनेसेस को कवर अप करने की, राइट? बट और कोई चीज़ नहीं हो सकती. वो मैं वो चीज़ नहीं बोल सकती जो मुझे आती नहीं है, right? So let us start this video and we're just going to be discuss. See guys, first of all, कोई भी ऐसी strength weaknesses नहीं बोलनी है जो आपको सिर्फ bluff और I would say dishonestly आप answer करो. Try to be honest with your answer, clear with your answer and neutral with your answer. कोई भी extremely इन चीज़ों को भी थोड़ा सा avoid करना है, ठीक है? साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी ये चीज़ें होती हैं, बट दीज डेज आर नो दिस इज हैपनिंग और नॉट, बट वट एवर इट इज़, आपका जो PI है, पर्सनल इंटरव्यू एंड HR, उसमें ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है. जस्ट आफ्टर योर इंट्रो वो आपको ज़रूर पूछेगा कि एज पर योर ह्यूमन बींग वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज सो दैट वी कैन कंसिडर यू, राइट? सो उस टाइम हमने जो है बहुत ऑनेस्टली आंसर करना है कि हाँ क्या हम बोल सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है, क्या हमारी वीकनेस हो सकती है, राइट? एंड स्ट्रेंथ आपकी ऐसा कुछ स्ट्रेंथ या ऐसी कोई भी स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि हाँ इस जॉब में बड़ी हेल्पफुल है आपकी, एंड वो ओवरऑल भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट ही करेगी, डेवलप ही करेगी, राइट? वेयर एज जो आपकी वीकनेस है वो ऐसी भी होनी चाहिए कि जिस पे एटलीस्ट आप ओवरकम कर सको. ऐसा कुछ ना लगे कि मतलब आप उस चीज़ को कभी ठीक ही नहीं कर सकते. अदरवाइज नोबडी विश टू बी हायर यू, नोबडी विश टू बी सेलेक्ट यू, ठीक है? नो बडी इज गोइंग टू बी कंसिडर यू गाइज. सो उस तरीके से आपने जो है आंसर करना है क्वेश्चन का, दैट वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट एक टिपिकल पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की क्या हो सकती है, एंड इट्स नॉट फॉर या राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस ऑफिसर, बट येस आप इसको वैसे भी कंसिडर कर सकते हो. सी राइट, दिस इज़ आई वुड से लाइक एनालिटिक थिंकिंग, ठीक है? आप आई वुड से एक्सट्रोवर्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको आता है, बहुत अच्छे हो डिसीजन बनाने में, दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ बेसिकली. क्विक डिसीजन मेकिंग, प्रिजर्वेंस, पेशेंस, यू आर वेरी पेशेंट पर्सन, वर्क अंडर प्रेशर. गाइस देखो आपकी स्ट्रेंथ में अगर मैं बात, आप बोल सकते हो कि यू नो आई वुड से आई एम वेरी अडेप्टेबल पर्सनैलिटी, राइट? आई एम वेरी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, आई एम वेरी डिसिप्लिन गाय, आई एम वेरी सिंसियर पर्सनैलिटी, दैट इज समथिंग योर स्ट्रेंथ. आई एम वेरी गुड एट क्विक डिसीजन मेकिंग. एक चीज़ होती है कि जो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता है वो वीक माना जाता है, राइट? यू गाइज आर मेच्योर इनफ टू सिट इन दैट एच आर, दैट पर्सनल इंटरव्यू ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. और जब आप वहाँ फंबल करते हो, जब आप वहाँ फिलर्स मैम मुझे नहीं पता क्या है मेरी स्ट्रेंथ, समथिंग लाइक दैट, वो एक आई वुड से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है एंड लैक ऑफ पर्सनैलिटी एनालिसिस शो करती है कि आपको खुद के बारे में ही नहीं पता, ठीक है? दैट कैन बी वन थिंग बेसिकली. सो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं. स्ट्रेंथ में आप ये चीज़ बोल सकते हो, ठीक है? आई एम वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अडेप्टेबल हूँ, फ्लेक्सीबल हूँ, ठीक है? आई वुड से वर्क अंडर प्रेशर एंड पेशेंस. जिसके अंदर पेशेंस होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को कामली, काम एंड कम्पोज हूँ, आई एम वेरी काम एंड कम्पोज पर्सनैलिटी, कैसे हैंडल करना है पेशेंस के साथ, दैट कैन बी स्ट्रेंथ, राइट? नेक्स्ट आई वुड से वर्क अंडर प्रेशर. A good employee, something you know, someone who can work under pressure और उसको pressure लगे भी ना, he or she can enjoy his or work, ठीक है? वो आपकी strength हो सकती है. जब आप ये word बोलोगे, जब आप ये terms बोलोगे, you need to be explain little bit elaborative. ऐसा नहीं कि monosyllable में आप answer कर लो, ठीक है? That can be your strength as well.
टॉलरेंस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पावर है, ठीक है. टीम वर्क आपको बहुत अच्छा आता है. कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी आती है. यू आर वेरी गुड एट कोऑर्डिनेशन, ठीक है. आपका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बहुत अच्छा है. यू आर गुड एट विद सुपरविजन पावर. दैट इज समथिंग, यू नो, ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल्टी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ. ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल्टी गाइस, इफ़ यू आर ट्रस्टवर्दी, वो आपसे पूछते हैं कि लाइक यू नो हाउ फार विल यू वर्क विद अस और समथिंग लाइक दैट, फॉर हाउ लॉन्ग यू विल वर्क विद अस समथिंग लाइक दैट. अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है या समथिंग लाइक दैट, अगर आप ट्रस्टवर्दी रहते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यू वुड बी ऑल्सो गेटिंग बेनिफिशन एंड यू नो आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन टू. सो लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इफ यू आर मैंशनिंग दैम. बट ट्राई टू यू नो मैंशन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो, क्योंकि जब आप यू नो आपने ज़रा से ज़्यादा टाइम लिया सोचने के लिए कि यार मैं ये बोल देता हूँ, सिर्फ सोचने के लिए, उनको तभी पता लग जाएगा कि वो आपका अपना आंसर नहीं है. सो गाइज बी रियल, आई वुड से आई जस्ट मेक योर एडवाइस बेसिकली. अब ये कुछ जो है वीकनेस हैं कि वीकनेस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है. लेकिन ये वीकनेस एक ऐसी चीज़ों में बोलना, प्रॉब्लम सोल्यूशन, मतलब हर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट. लेकिन जो हमने ये वीकनेस है इस तरीके से प्रेजेंट करनी कि हम उनको ओवरकम भी कर सकते हैं एंड उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई अफेक्ट नहीं होने वाला, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ यार नोबडी कैन बी परफेक्ट, एंड इवन इंटरव्यूअर रिक्रूटर ऑल्सो नोज कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ तो होंगी, बट ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए दैट वुड लीड टू द आई वुड डिस्टर्बशन इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन ऑफ थिंग्स, इंट्रोवर्ट, वर्कहोलिज्म, आई वुड से एक्सेसिव डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आपकी वीकनेस भी हो सकती है. वन मोर, मोर ऑनेस्ट, यू नो ऑनेस्टी कैन बी अ वीकनेस. इफ यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट, लाइक एक्सेसिव ऑनेस्ट, दैट कैन ऑल्सो बी अ वीकनेस, ठीक है. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, दैट हाउ कुड इट बी अ वीकनेस. ये आपने यू नो आपने ये दिस इज योर होमवर्क कि आपने इसका आंसर प्रिपेयर करके आना है कि हाउ ऑनेस्टी कैन बी अ वीकनेस. अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी अ वीकनेस. अगर आप इंट्रोवर्ट हो, यू आर नॉट सोशलाइज विद यू नो आई वुड से एट योर वर्क प्लेस विद योर फ्रेंड्स विद योर कॉलीग्स, दैट कैन ऑल्सो बी अ वीकनेस, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, वो भी बहुत बड़ा वीकनेस है. आप बहुत ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को. कई बार बहुत रफ फिगर लेना भी इट इज़ अ गुड थिंग. इट्स नॉट लाइक दैट कि यू ऑलवेज टू पुश द थिंग्स बेसिकली, ठीक है. दैट कैन ऑल्सो बी ऑब्सेशन विद वर्क एट हैंड, ठीक है. आई वुड से पुअर सोशलाइजेशन विद फ्रेंड, अभी हमने डिस्कस किया. लैक ऑफ डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड हैंडलिंग एवरीथिंग बाय ओन. स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आई वुड से वो एक होना चाहिए कि चीज़ों को सिस्टमैटिकली कैसे करनी. अगर वो आपको नहीं आता है दैट इज़ ऑल्सो योर वीकनेस, ठीक है. और अगर आप वो बोल दो कि मैम येस, सबसे प्लस पॉइंट तो ये कि एक इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा आपको इसके बारे में पता है कि चीज़ों को कैसे सिस्टमैटिक किया जाता है, ठीक है. अगर आप बोल दो कि मैम आई एम नॉट गुड एट दैट पर्टिकुलर थिंग बेसिकली, बट आई कैन वर्क एंड आई विल आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट एट दैट पर्टिकुलर थिंग बेसिकली, वो एक अच्छी चीज़ है. टॉलरेंस, लैक ऑफ टॉलरेंस, आपके पास टॉलरेंस पार नहीं है, इनडिसिप्लिन हो, दैट वॉन्ट बी वर्क फॉर यू. फ्रैंक नेचर, ऑब्सेशन विद ऑर्डरलीनेस, पैशन एंड ऑब्सेशन विद परफॉर्मेंस, ठीक है. आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कॉन्टिन्यूस थिंक कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम थिंग. प्रॉब्लम में ही एक सोल्यूशन होता है. अगर आप प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका सोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है. सो दैट इज़ समथिंग वो आपकी वीकनेस है कि आई एम ऑलवेज यूज टू बी थिंक अबाउट प्रॉब्लम ओनली. मैं कभी यू नो उसको कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ सोल्यूशन को. दैट यू कैन से इट आउट, ठीक है. पब्लिक स्पीकिंग फेयर है आपको बहुत ज़्यादा. पुअर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, नॉट इवन इंग्लिश, इन एवरी लैंग्वेज बेसिकली. पुअर ड्रेसिंग सेंस, आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है. अगर आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है कि किस जगह पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए स्पेसिफिकली एट द वर्क प्लेस, दैट यू कैन से मैम येस दैट इज समवेयर लाइक आई एम लैकिंग इन दैट. एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट टू चूजिंग क्लोथ्स लाइक हाउ टू बी ड्रेस वेल फॉर पर्टिकुलर फॉर्मल अटायर, राइट. आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम समवेयर लैकिंग इन पब्लिक स्पीकिंग. इफ आई हैव टू बी गोइंग अ मीटिंग एंड आई हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, आई थिंक समवेयर आई एम लैकिंग, बट आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट एट दैट, समथिंग लाइक दैट यू कैन से इट आउट, ठीक है. मल्टी टास्किंग नहीं हो आप, ओवर ईटिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल इंप्रेजेंस है, ठीक है. लैक ऑफ कंट्रोल फॉर स्ट्रीट फूड, ठीक है. दीज आर जस्ट जर्नल, ये मिनिमल है, ये बहुत ही मिनिमल वीकनेसेस हैं. ये बहुत बाद में आती हैं, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड आती हैं, ठीक है. नोबडी इज बॉदरिंग कि अच्छा आप कैसा खाना खा रहे हो कैसा नहीं खा रहे हो, कोई बॉदर नहीं कर रहा है. बट येस दीज कैन ऑल्सो बी योर वीकनेसेस, ठीक है. वो आप कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैसा खाना खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू टू बी स्टे फिट टू बी स्टे हेल्दी, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट.
So these are some strengths and weaknesses, guys, which you can mention while you're going for your personal interview and HR basically, specifically for the IB jobs. So you will get this document on your PDF panel, right? और अभी हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, योर पर्सनालिटी ट्रेट, गाइस, इसको उसके हिसाब से ही आपने बोलना है, एक बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव आंसर देना है. एंड वी गाइस आर मेंटरिंग यू फॉर सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दैट हाउ यू कैन गिव योर आंसर्स. ऑलराइट, सो वी विल गेट दिस पीडीएफ ऑन योर पीडीएफ पैनल. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस.